मुझे वो जो मधुमक्खी होती है ना उसने काट लिया, और ये देख सकते हैं आप, और ये फूलने लग पड़ा है दोस्तों। इधर हमारी जो बोसी है, तो देखो आदमी से कुत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, ये काफ़ी समझदार है। और देखो इसे एहसास हो गया कि हम आ रहे हैं और ये हमें लेने आ गई कितनी दूर से। देखो क्या बोलना चाहोगे, और कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से व्यू एकदम अल्टीमेट दिखता है। तो गाइस यहाँ पर हमें भेड़ मिल चुका है, तो साहिल भाई ने यहाँ पर उठा लिया है गाइस, इसकी टांग बहुत बुरी हाल से टूट चुकी है। जी दोस्तों, जय महावीर बजरंग बली हनुमान की जय। तो है आपका अपना साहिल कपूर, और वापस से स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल पे। और अभी ना दोस्तों मैं वहीं पे जा रहा था अपने दादा के पास ऊपर धार में, तो अभी मैंने सोचा ब्लॉग भी बना लेता हूँ। तो अभी मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ, और अभी थोड़ा सा बैठा था मैं इधर और व्यू देख रहा था, काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये जो रोड दिख रहा है आपको, ये पुरानी विंध्यवासिनी का जो रोड है वो रोड है ये, और ऊपर की तरफ बर्फ़ पड़ चुकी है, फिर मतलब दिवाली के पहले ही बर्फ़ पड़ गई है इस बार, और काफ़ी अच्छा है। और अभी हमें वहाँ तक जाना है, तो अभी हम इधर जैसे बैठे हुए हैं और दादा भी हैं, अभी दादा घर आए थे तो वहाँ बैठे हैं दादा जी, आपको दिख रहे होंगे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, और ये भी गौरव भी आ चुका है साथ में, और अभी हम चलते हैं। तो अभी हम इसलिए जा रहे थे, दादा हम घर को आए थे, बोला कि एक भेड़ है उसकी टांग टूट चुकी है और उसे लेके आना है हमें। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं और दादा भी ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर हम दो ही आएंगे वापस, और हम उसे भेड़ को लेके आएंगे घर, और उसकी थोड़ी सी जो उसकी टांग टूटी है तो उसे थोड़ा मतलब पट्टी वगैरह करेंगे। तो चलिए उसको लेके आते हैं, और थोड़ी देर ऊपर बैठते हैं, और व्यू काफ़ी अच्छा दिखता है इधर से। और वहाँ पीछे की तरफ आपको ये जो दिखाई दे रही होगी, अगर इधर से नहीं दिखाई दे रही होगी तो इसे बोलते हैं नहीं गुलखाड़ा इधर जैसे, और बीच से गुजरती है दो इसके आसपास पहाड़, और ऊपर की तरफ बर्फ़ के पहाड़। और अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ ना गाइस, आपको दिखा दे रहे होंगे उधर जैसे, तो मैं जूम करके बताता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा इसमें, अगर आपको दिखाई देगा तो वो दिखाई दे रहे होंगे आपको वाइट वाइट से। तो ये हैं गद्दी सेपर्स, सो अपनी बकरियों को इधर चंबा की ओर से इधर आते हैं। तो चंबा से फ़िलहाल जो सेपर्स होते हैं चंबा के, तो वो उधर से आते हैं, जो पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे इसके पीछे चंबा पड़ता है, तो इस पर्वत के ऊपर से भी आते हैं इस हमारी तरफ अपनी बकरियों को चरवाने के लिए, काफ़ी बकरियां है इधर। और यहाँ के जो गद्दी सेपर्स होते हैं वो भी चंबा की ओर जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ से व्यू बताने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है, मतलब अलग ही एक पूरा मतलब एक दूर तक दिखाई दे रहा है, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको व्यू दिखाई देता रहेगा। तो आपको बताता हूँ, और देखो आप काफ़ी अच्छा है, दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, रुको मैं जूम करके बताता हूँ आपको, वो सौरभ वन विहार का पुल जो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इधर पता नहीं ट्रक जैसे खड़े हुए फौजी की हैं कि क्या है पता नहीं, और वो आपको सौरभ वन विहार भी दिखाई दे रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, और ये पूरी न्यूगल खड है जो आपको दिखाई दे रही है वो नीचे तक। और इधर से मेरे मामा के घर भी दिखाई देते हैं,
तो ये मेरे मामा के घर हैं और काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये हमारे दादाजी चढ़ रहे हैं चढ़ाई, बूढ़े हो गए हैं, 80 साल के हो गए हैं। और ये गौरव, हेलो गाइस, क्या बोलना चाहोगे गौरव, कुछ बोलना चाहोगे आप? मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ से व्यू एकदम अल्टीमेट दिखता है और पहाड़ का भी मतलब व्यू ऐसे चंबा वगैरह तो नहीं दिखता पर मतलब अल्टीमेट ही लगता है। अच्छा, और ऊपर चार पत्थर भी है। हाँ, उधर वो एक मतलब इधर से कहाँ दिखाई देगा यार, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ मैं। अगर आपको वो दिखाई दे रहा होगा वो बड़े बड़े पत्थर, तो ये चार पत्थर बोलते हैं, इधर बड़े बड़े चार पत्थर हैं, काफ़ी दूर है ये इधर से। और गौरव चलते अब थोड़ी सी दूर रहा है, बस थोड़ी सी दूर रहा है हमारा जो वो बकरियां जो रहती है उधर। हाँ, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों आपको वो दिखाई दे रहा होगा रोड जो मोड़ है, तो मैं आपको जूम करके बताता हूँ। ये जो मोड़ दिखाई दे रहा होगा आपको, तो अगर आपने वो ब्लॉग देखा होगा जिस पे मेरा दोस्त जो था बड़ा ही सरमारा था, तो हम दोनों जो गए थे उस दिन, तो वो आपको मैंने जो बताया, तो हम वहाँ गए थे और ऊपर की ओर तो जाना था हमें, जो टॉप पे दिखाई दे रहा है उतने तक जाना था हमने। पर उस दिन जो था ना मौसम भी ख़राब हो गया था और मतलब रोड तो ख़राब ही, आप देखो ना बाइक इतनी है भी नहीं कि इतनी चढ़ जाए, ऑफ रोडिंग है वैसे भी। दोस्तों इधर हमारी जो बोसी है, तो देखो आदमी से कुत्ते जो होते हैं वो ज़्यादा समझदार होते हैं, ये काफ़ी समझदार है। और देखो इसे एहसास हो गया कि हम आ रहे हैं और ये हमें लेने आ गई कितनी दूर से। देखो चल अब पीछे आ जा, चुप, देखो आई बोसी 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 आई चो, दादा कहाँ गई? चलो हम चलते हैं, देखना पड़ेगा ऊपर की तरफ क्या क्या है। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ना, ये दूसरा रास्ता है और जहाँ से मैं आता हूँ तो वो वाला रास्ता नीचे इधर, और ये शॉर्ट रास्ता है मुझे लगता है जहाँ तक। और अभी देखो घुस गया था। और देखो वो पीछे पीछे आ गई है, और देखो कैसे आई आई बोसी, बड़ी समझदार है ये बोसी। इसके गले में ना ये लोहे का ना ये डाला हुआ है। तो दोस्तों अभी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और दादा जो है वो बकरियों के पास चले गए हैं, और अभी हम पहुंच गए हैं और इधर पानी वगैरह पीते हैं हम, और फिर वापस दादा के पास चलते हैं, थोड़ा सा उनके पास पान देना है। और अभी इधर थोड़ी देर पानी वगैरह पीते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो वो जो भेड़ है वो तो चले गए होगा बकरी के साथ चरने के लिए, तो अभी उसे भी लाना पड़ेगा, वो दादा के पास जाना पड़ेगा फिर से। तो अभी चलते हैं पानी वगैरह पीते हैं। तो दोस्तों अभी हम यहाँ से निकल पड़े हैं और ये है हमारा दादाजी का जो यहाँ रहते हैं, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी हमें बकरियों के पास जाना पड़ेगा, तो जो जिसकी टांग टूटी है उसको लाना पड़ेगा अभी। और अभी चलते हैं, तो यहाँ संभल के चलना पड़ता है और गिरने का बड़ा डर रहता है, तो अभी चलते हैं। दोस्तों अभी हम दादा तो मिल गए हैं बकरी के पास, तो अभी पर यहाँ बोल रहे दादा कि यहाँ पे वो भेड़ आई नहीं है जिसकी टांग टूटी है, तो अभी उसको ढूंढना पड़ेगा, तो पता नहीं कहाँ है। तो अभी चलते हैं देखते हैं कहाँ होगा, अभी पोपट ही हो रहा है। तो अभी ना दोस्तों भेड़ को ढूंढ ही रहे हैं, नहीं मिल रहा है, और अभी बस यहाँ थोड़ी देर हम बैठे ही, और ऊपर की तरफ ग्लाइडर दिख गया हमें। और यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताता हूँ मैं आपको, अगर आपको दिखाई दे रहे होंगे वो देखो, यहाँ से काफ़ी पास से दिखते हैं। और अभी चलते हैं ढूंढते हैं कहाँ गया होगा वो।
मिल नहीं रहा, उसको ज़्यादा दर्द हो गई होगी तो वो कहीं बैठ गया होगा। तो अभी चलते हैं ढूंढते उसको, अगर मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो फिर देखते क्या बनता है। तो गाइस यहाँ पर हमें भेड़ मिल चुका है, तो साहिल भाई ने यहाँ पर उठा लिया है। गाइस इसकी टांग बहुत बुरी हाल से टूट चुकी है, ये देखो गाइस, मतलब थोड़ी सी अटकी हुई है, पूरी टूट गई है, मतलब हड्डी हड्डी जो है वो टूट गई है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने वो भेड़ को उठा लिया था, हमें मिल गया है, और उसकी टांग तो ज़्यादा ही वो टूट गई और उसका जो मांस है वो पूरा ही अलग हो गया है। तो उसके ऊपर जो था पत्थर पड़ गया था, तो इसकी वजह से वो उसका जो टांग है वो पूरी टूट गई है। तो अभी उसको घर लेके चलते हैं। और जब मैंने उसको उठाया तो मुझे वो जो मधुमक्खी होती है ना उसने काट लिया, और ये देख सकते हैं आप, और ये फूलने लग पड़ा है, दर्द हो रही ज़्यादा। तो अभी चलो कोई नहीं, घर जाके इसका भी इलाज करते हैं और अभी चलते हैं। तो अभी ना दोस्तों मैं घर में पहुंच गया था उसके बाद कोई 1 की बजे। तो अभी मैं घर में हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:00 PM, और बाहर अंधेरा हो चुका है और मैं अंदर बैठ गया हूँ। तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई उसके बाद, क्योंकि मैं उसके बाद मैं घर में पहुँचा और उसको जैसे कि आपने देखा उसको पीठ के ऊपर उठाना पड़ा, तो वो तो चल नहीं सकता था इसलिए मुझे उठाना पड़ा उसको, और आधे रास्ते में मुझे मधुमक्खी ने काट लिया और ये पूरा सूज गया है, और इसका भी देखते हैं अब। और आप मेरी हालत से पता लगा सकते हो, तो इस ये हालत इस वजह से हुई है। तो उसके बाद मैं आया था, तो फिर उसके बाद मुझे कहा गया कि पालमपुर जाने के लिए इसलिए क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक्टर लगा था ना इधर खेत के काम पे, तो उसका जो था तेल ख़त्म हो गया था डीजल, तो उसको लाने चला गया। फिर उसके बाद मुझे टाइम भी लेने लगा, फिर उसके बाद तेल लेके आया मैं और उसमें डाला, फिर वो खेतों के काम में मैं साथ में मैं भी चला गया, तो उधर भी थोड़ा सा काम करना पड़ा। तो अभी जस्ट मैं कोई 6 बजे फ्री हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसे ब्लॉग जो आधा रह गया उसको पूरा कर लेता हूँ। तो अभी मुझे थोड़ा नहाना वाना भी है क्योंकि मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, और आप देख ही सकते हो काफ़ी बुरी हालत हो चुकी है। मुझे थोड़ा स्कूल का काम भी करना पड़ेगा, और अभी मेरी जो तबीयत थी वो भी ठीक हो गई है, जैसे कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा था, तो तबीयत तो उसके बाद ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 2-3 दिन बाद मैं थोड़ा सा मतलब ठीक हुआ हूँ, तो मुझे 2-3 दिन लग गए हैं ठीक होने में। तो अभी मतलब खांसी थोड़ी ज़्यादा ही है, तो अभी देखते ना थोड़ी दवाई वगैरह खा रहा हूँ, तो उसके बाद अभी बस थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ, मतलब बोल ही सकते हो ठीक, क्या बोले अब। तो अभी ना मैं नहाता हूँ, जैसा कि आपने देखा मैंने आपको सारा व्यू एंड सब कुछ बताया। तो ऐसा ही मज़ेदार वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे लाल शब्दों में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर सब्सक्राइब दबा दो और वो सब्सक्राइब हो जाएगा, और सपोर्ट कर दो, लाइक ज़रूर करना। अगर आपको कुछ अच्छी चीज़ या बुरी चीज़ लगती है तो नीचे आप कमेंट में लिख सकते हो और मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आई होप सबको अच्छा लगे तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड और प्रभु की कृपा से आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब के लिए जय हिंद जय भारत।